नमस्कार दोस्तों, SSCA एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5-स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 5। याद रखिएगा, 5-स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 4 ट्रिक हो गई, अगर 4 ट्रिक आप नहीं देखे हैं तो आप नीचे जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, 4 ट्रिक आपको मिल जाएगी। यह हमारा 5-स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 5 है, और ट्रिक नंबर 5 जो है यह भागफल पर आधारित है। किस पर? भागफल पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा, 5-स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 5 कौन सा है सर? ट्रिक नंबर 5। यह ट्रिक नंबर 5 जो है किस पर आधारित है? भागफल पर। किस पर? भागफल पर। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर। ध्यान से सुनिएगा, कई बार यह क्वेश्चन हूबहू पेपर में आता है, केवल अंकों को बदलकर खेलेगा, बाकी सारा का सारा डेटा सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या है सुनिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, यहाँ कितना है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचे, 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? प्रश्न कहा है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जरा बताइए ना एक बार, कितना शेष बच रहा है? कितना शेष बच रहा है सर? 15। कितना शेष बच रहा है सर? 47। नई संख्या किससे कह रहा है भाग देने को? किससे कह रहा है? 15 से। किससे कह रहा है? 15 से। तो पूछ रहा है कि नई संख्या मतलब 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? कुछ नहीं करना, जो शेष दिया है उसी में सीधे भाग लगा दीजिए, जो शेष दिया है उसी में सीधे भाग लगा दीजिए, यानी कि 47 को 15 से डिवाइड करिए, 47 को 15 से डिवाइड करिए, मन करे तो ऐसे कर लीजिए, 15 × 45, और यानी कि 15 × 45 तो कट जाएगा, कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा, यही 2 क्या हो जाएगा? आंसर। यही 2 क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? फिर एक बार देख लीजिए, किसी संख्या को 195 से डिवाइड करने पर 47 शेष बचे, तो 15 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा? जो शेष बच रहा है उसी में सीधे भाग दे दीजिएगा 15 का, 15 का भाग देंगे, 15 × 45 तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा, यानी कि शेषफल कितना हो गया? दो क्या हो गया? शेषफल। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे देखिए, 47 को किससे डिवाइड करना है? 15 से, 15 × 45 बचा कितना? 2। यही 2 क्या हो गया? शेषफल। यही 2 क्या हो गया? शेषफल। तो आई थिंक क्या क्वेश्चन समझ आया होगा, और ट्रिक नंबर 5 आपको समझ आई होगी। लेकिन एक बात जरा क्लियर करिए यहां पर, क्लियर करिए सर। देखिए क्या है, जिससे कहे भाग देने को, आप देखिएगा, जबकि क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना, लेकिन यहां पर सुन लीजिए। देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, यानी कि 195 और जो नई संख्या है यह पूरा का पूरा कटना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि जो 195 है इस 15 से पूरा का पूरा कटना चाहिए, 15 से पूरा का पूरा 195 कट जाएगा। अब क्या करेंगे? जो पूछा उसी में भाग लगा दीजिएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इसे मिटा कर ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, इसके आंकड़े को हम बदल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 357, ठीक है, इसको देखते रहिएगा। आगे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ के देखिए क्या है। देखिए क्या है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जरा देखिए, नई संख्या क्या है? 17 357 को पूरा काटेगा, एकदम काटेगा, वो बात चेक मत करिएगा, लेकिन काटेगा। कितना शेष बच रहा है? 39। कुछ नहीं करना, नई संख्या से शेषफल में भाग लगा देना, बात खत्म। शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है सर 39। कितना बच रहा है? 39। कौन सी नई संख्या? 17 से भाग लगा दीजिए, 17 × 34 कट जाएगा, यानी कि कितना शेष बचेगा? 5। कितना शेष बचेगा? 5। यही क्या हो गया? शेष। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? क्लियर है? क्लियर, यस सर। आगे देखिए क्या करना है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिए क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या बचेगा? कुछ नहीं करना, जो शेष है उसी में 17 का भाग लगा दीजिए, उसी में मतलब जो नई संख्या क्या है, 17 का भाग लगा दीजिए, 36/17, 17 × 34 तो कट जाएगा, कितना शेष बचेगा? 2, यानी कि 2 क्या बचेगा? शेष। यही क्या हो जाएगा? आंसर। 17 × 34 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 शेष। यही आंसर। क्लियर है? आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, 156, ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ देखिए कितना, 13। क्वेश्चन मिलाकर पढ़ लीजिए, क्या है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचे। ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? अरे बताइए, कितना शेष बच रहा है? 29। कितना? 29। तो 13 से भाग, मतलब इसी में भाग लगा दीजिएगा 13 का। आपको पता है, 13 × 26, 13 × 39, 39 तो जाए, 13 × 26,
26 कट जाएगा, कितना शेष बचेगा सर? 3 शेष बचेगा, यही 3 क्या हो जाएगा आंसर, यही 3 क्या हो जाएगा आंसर। कहने का सीधा सा मतलब आईपी शर्ट ट्रिक में सीधा सा मतलब समझिए, जो संख्या है, जो नई संख्या है, उसी को शेषफल से डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। अगर आपके पास समय है तो इसको चेक करिएगा कि यह जो संख्या है, ध्यान से देखिए, यह जो संख्या इस संख्या को पूरा पूरा काटेगी, यह जो संख्या है इस संख्या को पूरा पूरा काटेगी, इस बात को याद रखिएगा। आप देखेंगे तो यह संख्या इस संख्या को पूरा का पूरा क्या करेगी, काटेगी ना। देख लीजिए ऐसे 13 का नम 13 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और 13 दूना 26 तो 13 बराइया में 156 होता भी है। क्लियर है, कुछ नहीं करना, जो शेषफल दिया गया तो उसी से भाग लगा देना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्लियर है। अगर समझ आया होगा तो और दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू।